नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार जल्द ही लाडली बहना योजना का पैसा लाभार्थी महिलाओं के खाते में भेजने जा रही है। इसका ऐलान खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके किया। इसमें उन्होंने वीडियो भी शेयर किया है। इस योजना में महिलाओं को अब जल्द ही 1,000 रुपए की जगह 1,250 रुपए मिलने वाला है। इसका ऐलान खुद सीएम ने पिछले महीने किया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 10 तारीख फिर आ रही है और इस बार ग्वालियर से ठीक 2 बजे मैं आपके खाते में पैसा डालूंगा। आपका मंगल और कल्याण हो, आपका जीवन सुख से आगे बढ़े, इसमें आपका भाई कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आपको बता दें कि हर महीने की 10 तारीख को एमपी सरकार की ओर से लाडली बहनों के खाते में पैसे डाले जाते हैं। पैसे का व्यवस्था होगी तो 1500 करूंगा, फिर 1750 करूंगा, फिर 2000 करूंगा, फिर 2250 करूंगा, फिर 2500 करूंगा, फिर 2750 करूंगा और अंत में की जिंदगी बदले दी। और भाइयों, 1,00,000 सरकारी नौकरियों में भर्ती का क्रम जारी है। पुलिस की भर्तियां फिर से हो रही है। शासकीय नौकरियों को भी रोजगार और स्वरोजगार के माध्यम से भी रोजगार। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। अगस्त महीने में जारी आंकड़ों की बात करें तो मध्य प्रदेश की 4,77,199 महिलाओं को लाडली बहना योजना के पैसों का लाभ मिलेगा। दरअसल हर माह 1,000 रुपए का लाभ पाने के लिए पात्र महिलाओं की संख्या 4,75,000 से अधिक हो गई है। इसके अलावा हम बता दें कि अब तक परिवार में ट्रैक्टर होने के कारण अपात्र 1,26,080 महिलाओं को भी अब लाडली बहना योजना का लाभ मिलेगा और इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों दी थी। नियम के मुताबिक लाडली बहना योजना का पैसा लाभार्थी महिला के खाते में भेजा जाता है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाता है। इस तरह पात्र महिलाओं को प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपए मिलते हैं। जल्द ही इसमें इजाफा होने जा रहा है, कई चरणों में इजाफा होगा और आखिर में शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों को 3,000 रुपए देगी। इसका भी ऐलान सीएम शिवराज सिंह चौहान पहले ही कर चुके हैं। आपको बता दें कि इस योजना का मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना का लाभ लेने वाली महिलाएं इन पैसों का इस्तेमाल खुद के साथ परिवार पर करती हैं। गरीब महिलाओं के लिए यह पैसा किसी वरदान से कम नहीं होता है और यही वजह है कि बीजेपी सरकार को उम्मीद है कि आगामी विधानसभा चुनाव में यह योजना वोट दिलाएगी, साथ ही सत्ता में दोबारा से वापसी कराएगी। इस वीडियो में अभी इतना ही, लेकिन मध्य प्रदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।